से बोल रहे थे कि नहीं सर 75 बार, लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि इस बार जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस जो मनेगा वह 76वां स्वतंत्रता दिवस मनेगा। 1000 रुपए का यानी कि आपको चेक मिले, वो भी कैश विड्रॉल के लिए, या आपको कैश विड्रॉ करके मिल जाए, या लोग मिल करके अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा लगाइएगा, और वार्ड सभा में आप निकलिएगा ना, उस समय आपका एक अच्छा सा संबोधन होना चाहिए, और किस प्रकार से आप संबोधन कीजिएगा तो उसका भी हम आपको वीडियो बना देंगे। को जो है ना, यानी कि ग्राम में ग्राम सभा लगता था, और इसका नेतृत्व करने का मौका किनको मिलता था, तो मुखिया जी को मिलता था, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे तो उनके बारे में भी आप बात कीजिएगा और उनके। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि 15 अगस्त के दिन, यानी कि 15 अगस्त के दिन जो इस साल जो हमारा होगा, यानी कि हम लोग अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। देखिए, 76वां स्वतंत्रता दिवस होगा, बहुत सारे वार्ड सदस्य जो इससे पहले वीडियो हम आपको डाले हैं, तो बहुत सारे सदस्य बोल रहे थे कि नहीं सर 75 बार, लेकिन इस बात को आप जान लीजिए कि इस बार जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस जो मनेगा वह 76वां स्वतंत्रता दिवस मनेगा, और 76वां स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, यह 76वां स्वतंत्रता दिवस की खास तैयारी यह है कि बहुत बड़ा इस बार आपको अपॉर्चुनिटी मिला है कि आपको खुद अपने वार्ड में, यानी कि खुद अपने वार्ड में क्या करना है, आपको जो है ना वार्ड सभा करके और वहां पर झंडा तोलन करना है, यानी कि वार्ड को स्वतंत्रता दिवस आपको मनाने का मौका मिला है कि इस बार प्रथम बार आपको अपने वार्ड सदस्य में, अपने वार्ड के अंदर आपको स्वतंत्रता दिवस मनाने का मौका मिला है। जो कि यह स्वतंत्रता दिवस मनाना आपको कहां है, तो आपके यहां नल जल का टंकी है तो नल जल के टंकी के पास आप मना लीजिए, और नहीं तो मनरेगा भवन है तो मनरेगा भवन के सामने आप मना लीजिए, नहीं तो कोई सामुदायिक भवन है तो सामुदायिक भवन में मना लीजिए, और इसी प्रकार से या तो अलग किसी भी प्रकार का आपको जो है ना कोई भवन है सरकारी तो आप वहां पर मना सकते हैं। और इसके लिए जो आपको जो है ना, यानी कि 6वीं वित्त आयोग से आपको मुखिया जी और पंचायत सचिव द्वारा यानी कि क्या दिया जाएगा, तो 1000 रुपए का यानी कि आपको चेक मिले, वो भी कैश विड्रॉल के लिए, या आपको कैश विड्रॉ करके मिल जाए, या दोनों में से कोई भी चीज मिल सकता है। और देखिए, कुछ सदस्यों का यह कहना है कि मुखिया जी बोलते हैं कि हम जो है ना आपको एक झंडा खरीद करके दे देंगे, तो नहीं, झंडा खरीद करके उनसे नहीं लेना है। जान लीजिए, झंडा खरीद कर क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यह झंडा जो है ना आपको खुद अपने वार्ड के किसी यानी कि जीविका समूह से आपको झंडा खरीदना है, यानी कि जहां एक्टिव जीविका समूह होंगे ना, उस जीविका समूह से आपको यह झंडा खरीदना है, ठीक है। और नहीं आपके वार्ड में एक्टिव है जीविका समूह, तो आप किसी अन्य वार्ड के जीविका समूह से आप ले सकते हैं जो झंडा बनाए, और नहीं या दोनों में से दोनों काम नहीं कोई कर रहे हैं तो जान लीजिए आप मार्केट से भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है। और जान लीजिए कि जब मुखिया जी कहेंगे झंडा खरीद करके लाएंगे, तो यह झंडा ही खर्च नहीं होता है, झंडा के अन्य अलावे भी कहीं और कुछ खर्च होते हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय जलेबी हम लोग बांटते हैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पे, और उसके बाद जो है ना उसमें कुछ रंग और कुछ और गुलाल भी आपको लगाने पड़ेंगे, तो यह सब रुपया आपको जेबी से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरकार इस सब चीज के लिए रुपया खर्च कर रही है, तो हमको अपने जेब से लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने वार्ड के, आप अपने पंचायत के सभी वार्ड सदस्य मिल करके यह बातों पर, जान लीजिए 13-14 अगस्त को जो आपके यहां जो है ना ग्राम सभा होने वाला है, सॉरी ग्राम सभा आम सभा होने वाला है, इससे पहले आप सभी वार्ड सदस्य मिल करके, आप अपने अपने वार्ड में सभी वार्ड सदस्य पहले मिल करके एक जगह सभी वार्ड सदस्य एकत्रित होइए, और वह उन सभी लोग आप निर्णय लीजिए कि आप अपने सभी लोग मिल करके अपने अपने वार्ड में वार्ड सभा लगाइएगा, और वार्ड सभा में आप अपनी अपनी योजनाओं को यानी कि चयन कर लीजिएगा, और योजनाओं को चयन करने के बाद 13-14 को दीजिएगा। और जान लीजिए, जो 15 अगस्त को जो आप अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने निकलिएगा ना, उस समय आपका एक अच्छा सा संबोधन होना चाहिए, और किस प्रकार से आप संबोधन कीजिएगा तो उसका भी हम आपको वीडियो बना देंगे कि आप किस प्रकार से संबोधन होना चाहिए, ताकि आपके ग्राम में अच्छा लगे आपको लोगों को भी। और जान लीजिए, यह स्वतंत्रता दिवस जो मनाइएगा तो आप किन किन लोगों को निमंत्रित कीजिएगा, तो जान लीजिए आप अपने वार्ड के कम से कम तो 50% जनता से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आप इसमें उपस्थित होइए, ताकि जान लीजिए क्या होगा कि जिलेबी ही आपका खर्च होगा, लेकिन आपका जो है ना नेतृत्व करने का मौका मिलेगा 50% जनता को। नहीं तो जान लीजिए, इससे पहले जितने 75वें स्वतंत्रता दिवस तक जो होता था ना, तो 15 अगस्त को जो है ना
यानी कि ग्राम में ग्राम सभा लगता था और इसका नेतृत्व करने का मौका किनको मिलता था, तो मुखिया जी को मिलता था। लेकिन इस बार पहली बार जो है ना वार्ड सदस्य को मिला है, तो यह मौका आप अपने हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, क्योंकि आजादी का हमारा अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अब देखिए 50% जनता को जब बुलाइएगा ना, तो उनसे आप और उसमें आग्रह कीजिएगा कि जो लोग अच्छे वक्ता होंगे, जो लोग एक अच्छे यानी कि बोल सके, उनको आप वहां पे आमंत्रित कीजिएगा बोलने के लिए, और आप वहां पे अध्यक्षता कीजिएगा। इस चीजों को जान लीजिए। आप अपने वहां के वार्ड सचिव को भी आप बोलने का मौका दीजिएगा कि वो अपने वाणी से कुछ अच्छा बोल सके, जान लीजिए। और आप अपने यहाँ के आपके पंचायत के या अपने आपके ग्राम का कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे, तो उनके बारे में भी आप बात कीजिएगा और उनके सम्मान में भी आप दो लाइन बोलिएगा। इस चीजों को जान लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पंचायत के लोगों को, आपके वार्ड के लोगों को आपके ऊपर अति विश्वास आएगा और आपको दिल से मानने लगेंगे। और जान लीजिए उस समय जो हो ना, तो आप आजादी के साथ साथ लोगों को आजाद होने का परिकल्पना भी बताइएगा कि किस प्रकार वे लोग अभी भी आजाद नहीं हैं। क्या होगा कि आप बताइएगा कि किस प्रकार हम कोई भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो अभी भी हमको से घूस मांगा जाता है। और जान लीजिए यह घूस का सभी लोग जानते हैं और मीडिया चैनल वाले, न्यूज वाले आपको बार बार दिखाते हैं, लेकिन वे आपके बदले में आपको लड़ाई करने नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या होगा कि आपको खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी जनता को साथ लेकर के। तो इसमें कम से कम आप लोग इस बातों को संकल्प जरूर दीजिएगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा जनता हमारे साथ दे सके और हमारा हाथ मजबूत कीजिए, ताकि जो है ना हम आने वाले सभी चीजों पर लड़ाई लड़ सके और अपने वार्ड में आप लोग जितना अच्छा से अच्छा हो सके सुव्यवस्थित तरीके से बैठाने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके वार्ड की जनता आपको मान सके। तो जान लीजिए इतना सारा आपका दायित्व बना है और इस दायित्व का आपको निभाने का मौका मिलेगा 15 अगस्त और आजादी के अमृत महोत्सव पे, जो कि हमारा 76वां आजादी दिवस मनेगा। तो धन्यवाद, 76वां आजादी दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है ना यानी कि वीडियो सब लोगों को जानकारी अच्छी तरीके से मिल सके। धन्यवाद।